So this is Mubina back. As I have already discussed the point that is characteristic of a highly organized commercial banking system, reserve central bank and also continuous supply of the short term securities. Next aata hai existence of a number of sub markets. Existence matlab unka rehne ka astitva. Hindi mein hum astitva kehte hain aur to be simple words mein kehte hain. एक मनी मार्केट सक्सेस होना चाहिए तो एक मार्केट से नहीं चलेगा, दो मार्केट से नहीं चलेगा, एक मेन मार्केट से नहीं चलेगा. इट शुड हैव डिफरेंट सब मार्केट, यानी कि और बहुत सी लाइक 100, 200, 300. जितना सब मार्केट अधिक हो उतना प्रॉफिट मिलेगा, उतना कस्टमर्स आएगा मार्केट में, उतना प्रॉफिट मिलेगा. वो प्रॉफिट हम इनकम कर सकते हैं, उतना मनी मार्केट होगा, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होगा, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्समैन होगा, प्रॉफिट इनकम भी ज़्यादा होगा. सिंपल वर्ड्स में ये है. लेकिन लंडन मनी मार्केट इज़ द मोस्ट डेवलपमेंट मनी मार्केट सिस्टम. लंडन की मनी मार्केट है द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री एट प्रेजेंट इज द लंडन. यानी कि लंडन, यूएसए सब फॉरेन कंट्रीज हैं डेवलप्ड. एट द सेम टाइम इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. अगर आप मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन लंडन को देखें, लंडन मनी मार्केट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड मनी मार्केट. यानी कि सबसे डेवलपमेंट हुआ वाला मनी मार्केट है लंडन मनी मार्केट. लंडन मनी मार्केट का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये है कि ये लंडन मनी मार्केट सिर्फ एक या दो नहीं, इसको कई तरह की सब मार्केट है, बहुत अधिक तरह की सब मार्केट है. लार्जर नंबर ऑफ सब मार्केट डेवलप द मनी मार्केट. यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में, आई मीन पर्टिकुलर राज्य में मोर एंड मोर नंबर ऑफ सब मार्केट्स हो, उतना ही डेवलपमेंट होगा मनी मार्केट में. ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर. अगर ए तो एक मार्केट है तो हम इंडिविजुअल कहते हैं, दो है तो बाई मार्केट कह सकते हैं. इंटीग्रेटेड मतलब इट कैन बी मोर दैन 2 or 3 to million billion मार्केट्स. सो यू कैन एड अ स्टेटमेंट ओवर हियर. यानी कि लंडन मनी मार्केट डेवलप कंट्री है, वहाँ सबसे ज़्यादा लीडिंग मनी मार्केट, हाईएस्ट मनी मार्केट की वैल्यू लंडन मनी मार्केट का. क्यों? क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ सब मार्केट है, वो है फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, डेवलपमेंट का डेवलप कंट्री में मनी मार्केट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट्स ओवर देयर. एंड मनी मार्केट डजंट रन ऑन एक मार्केट, दो मार्केट या तीन मार्केट, कभी भी नहीं चलता. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड मतलब दो एक से ज़्यादा हो तो वो इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केट सिस्टम. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एक सिंगल मार्केट है तो यू कैन नॉट से दैट इंडिया इज गोइंग टू बी अ मनी मार्केट स्टेटमेंट. सो डेवलपमेंट ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ सब मार्केट इज वेरी मच एसेंशियल. देन फिफ्थ पॉइंट यही कि एम्पल सप्लाई ऑफ फंड. हमने यहाँ क्या कहा था, आप यहाँ देख सकते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करता है. रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक सिस्टम, यहाँ अगर शॉर्ट टर्म नहीं प्रोवाइड करता है तो कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल बैंक. क्यों? एसेट की बेसिस पर, इजंट इट? ऑन द बेसिस ऑफ दी पार्ट वन में मैंने कहा है, अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप पार्ट वन में ध्यान दीजिए. तो ये है कि सब मार्केट एम्पल सप्लाई, मतलब एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ फंड. अगर हम बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ फंड चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए, डेवलपिंग से लेकर डेवलप्ड. अगर आपके पास, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके पास एक करोड़पति, अगर करोड़पति को ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इफ अ रिच मैन इज़ कमिंग एंड आस्किंग यू समथिंग लाइक आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर, मुझे एक उधार चाहिए, तो आप इजीली देंगे. एट द सेम टाइम एक छोटी सी घर में रहने वाले एक आदमी आकर आपसे अमाउंट पूछते हैं तो आपको देने में कुछ हिचकिचाहट होगी. ऐसा कुछ भी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन. बट स्टिल यहाँ मैंने कहा है कि क्यों आप ईजीली ये कंसेप्ट समझ में आए. अच्छा, एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ फंड. सो डेवलप कंट्री अट्रैक्ट मोर फंड. यानी कि डेवलप कंट्री में कोई भी ऐसी दुविधा नहीं आएगी, जब उनको फंड चाहिए तो उनको फंड नहीं मिले, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एम्पल सप्लाई ऑफ फंड मीन्स वॉट? डेवलप कंट्री विल बी हैविंग मोर अट्रैक्शन टूवर्ड्स दी मोर अट्रैक्शन. उन्हें ज़्यादातर ईजी सी मिलेगा. और अदर फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप, ऑल दी अबव मेंशन, ये फाइव पॉइंट्स में नहीं कुछ भी नहीं मेंशन हुआ तो ये पॉइंट होगा, इजंट इट? दैट्स व्हाट अदर फैक्टर्स मीन्स, इजंट इट? सो आपको पहले मनी मार्केट मतलब अगर एक कंट्री डेवलप्ड हो तो मनी मार्केट है. जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ कहा है कि मनी मार्केट मतलब If a country is developed, the money market will be developed or else in the top most position. अब आप ये concept mind में रखिए और ये other factors के terms and conditions में जाइए. International trade, आप सबको पता है, international trade मतलब the trade, यानी कि जो व्यापार या business which takes between
two countries, isn't it? Two foreign countries. Woh hai international trade. International trade mein kya hoga? System of bills of exchange hoga. Yani ki agar aap hum USA se import karte hain kya ek particular type of furniture ya something wo USA mein available hota hum USA se import karenge tab wahan kya hoga? Bills of exchange hoga. Yani ki amount exchange hoga udhar idhar. तब वहाँ क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली, राइट? फर्नीचर को परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा? वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो स्टॉक मार्केट का इंक्रीमेंट होगा. वो सबसे बेसिक थिंग है, इज़न्ट इट? स्टॉक मार्केट मतलब क्या? वो मार्केट्स विच ऑल द शेयर्स रिलेटेड एस्पेक्ट आते. सो डिमांड फॉर फंड्स क्या होगा? स्टॉक मार्केट में अगर अच्छी वैल्यू आएगी होती है, फंड्स का भी डिमांड होगा. फाइनली मनी मार्केट की इंप्रूवमेंट होगी. मनी मार्केट वर्ड में ही, सबसे थोड़ी सिंपल से बताती हूँ, मनी मार्केट वर्ड में ही है. मनी मतलब पैसा कैसा इम्प्रूव करे, पर्टिकुलर पैसा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट में बिजनेस चाहिए. कैसा बिजनेस? सिंपल वर्ड्स में कहती हूँ, अगर हमारी कंट्री में पैसा आना चाहिए तो बिजनेस करना चाहिए. इंडियन बिजनेस भी कर सकते हैं, फॉरेन बिजनेस भी करते हैं, राइट? लेकिन फॉरेन बिजनेस में हमें दुगना प्रॉफिट मिलेगा. इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त हम क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, हमने ऑलरेडी यहाँ पढ़ा है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सिस्टम में मोर एंड मोर इंक्रीमेंट होगा. और हमने यहाँ छोटी सी एग्जाम्पल दी थी, अगर फर्नीचर देते वक्त यहाँ क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते वक्त स्टॉक मार्केट इंक्रीमेंट होगा. स्टॉक मार्केट में इंक्रीमेंट होगा तो फंड्स मतलब क्या? पैसा, कैश, चेक, सबका एक्सचेंज होगा, डिमांड फॉर फंड्स होगा. तो इस तरह हम मनी मार्केट का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. ये मोस्टली आता है 10 मार्क्स का. तो 10 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत कुछ दीजिए कि मैंने, जैसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, हाईली ऑर्गेनाइज कमर्शियल मार्केट सिस्टम, रिजर्व सेंट्रल बैंक, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और एक्सिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ सब मार्केट, एम्पल सप्लाई ऑफ फंड एंड अदर फैक्टर्स. ये इसका स्पेशलिटी ये है कि आप कितना खींचते हो उतना खींच कर लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप एक फ्लो चार्ट बना कर लिखोगे तो एग्जाम में इम्पल्स होकर आपको अच्छे मार्क्स दे सकती है. थैंक यू. प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू फाइंड वो दैट.